ओके, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट शोन इन फिगर, शो दैट द करंट इन द सर्किट इज 0.2 एम्पीयर। कह रहा है आर की वैल्यू फाइंड करो, और कुछ ऐसा है कि जो करंट की वैल्यू है वो कितनी एम्पीयर है, 0.2 एम्पीयर है। व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। चलो ठीक है, करंट की वैल्यू अगर 0.2 एम्पीयर है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आपको इसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो एक काम करो, थोड़ा सा एक डाइग्राम ने खासा परेशान किया था, इसको लेके सबसे पहले अपन जो चलते हैं कोने में। ये लीजिए, ये डाइग्राम आ गया अपना, ये सीन चल रहा है यार। ओके ओके, ठीक है, चलो सब कुछ ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो मैंने कल क्या बताया था, वो चीज़ें देखो, थोड़ी सी जो प्रॉब्लम कर रही थी अपन को, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। कि एक तो ये है भैया कि सबसे पहले ये ब्रांच जो है, ये 5 और 5 जो है ये 10 कन्वर्ट कर लो। फिर ये जो बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, अब देखो फालतू में ए पॉइंट और डी पॉइंट एक ही तो है। अब ये बताओ, मैं यहाँ पे लिख दूँ जी, लिख दूँ यहाँ पे एफ, लिख दूँ यहाँ पे एच, लिख दूँ, तो क्या ये अलग अलग पॉइंट होंगे, एक ही होंगे। तो मैं बेवजह आपको परेशान कर रहा हूँ ये पॉइंट दे करके। मतलब बी से लेके ए के बीच में कौन कनेक्ट है, 15। बी से लेके डी के बीच में क्या कनेक्ट है, 30। और बी से लेकर डी के बीच में यानी ए के बीच में क्या कनेक्ट है, 10। तो चलो देखो कैसे करेंगे। 6 वोल्ट की ऊपर बैटरी है, 0.2 एम्पियर करंट दे रखा है ये, कि 0.2 एम्पियर करंट जा रही है, वो भी इस डायरेक्शन में। ओके, करंट दे रखी है, नीचे ये रेजिस्टेंस, फिर ये माइनस, ये प्लस 2 वोल्ट, फिर करंट बेवजह दे रखी है, एक बार दे तो दी, क्यों दे रहे हो बार बार। आर, और ये भी कह रहा भैया यहाँ से भी 0.2 एम्पियर जा रही है, अच्छी बात है भैया। अब ये देखिए 15, 30 और 10, कल मैंने निकलवाया था 1/r = 1/15 +1/30 +1/10। यार एलसीएम 30 आया था ना, 5 ओम आया था शायद आंसर, 5 से 2, 3 से 1 और ये 10, 3, 2, 3, हाँ ठीक है बिल्कुल सही, 1/r, 6, 5, 6, 5 = 30, तो r = 5 ओम आया था। चलो लिख दो 5, लिख दो 5, लिख दो। लियो भाई ये बी है और ये पॉइंट है ए, और इसके बीच में जो जा रहा है टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। अब यहाँ से करंट 2 एम्पियर इधर से जा रही है, इधर से लौट के आ रही है, यहाँ से 2 एम्पियर गई, ये लो, मतलब ये पोटेंशियल प्लस और ये पोटेंशियल माइनस, ठीक है ना। तो भैया कितने का ड्रॉप हुआ, 0.2 × 5। देखो वी, देखो बी है ए है, मतलब हाई पोटेंशियल पे कौन है बी और लोअर पोटेंशियल पे कौन है ए, ठीक ना। तो वी बी माइनस वी ए, मतलब बी का ए के रिस्पेक्ट में बी, क्योंकि ए लो पे है और बी हाई पे है, सुनना ध्यान से बच्चों, बी हाई पे है मतलब बी प्लस पे है और ए लो पे है। तो वी बी ए इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू कितना, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट है 0.2 × 5, आंसर कितना हो गया भैया, 1 वोल्ट। मतलब जो पोटेंशियल निकलेगा बी का ए के रिस्पेक्ट में, वी बी ए इक्वल टू 1 वोल्ट, मतलब वी बी के, बी जो है ए के रिस्पेक्ट में 1 वोल्ट से आगे है, जो बी का पोटेंशियल है वो ए के रिस्पेक्ट में 1 वोल्ट है, ठीक, अच्छी बात है। अब क्या पूछा है इन लोगों ने, इन लोगों ने पूछा है देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। हाँ 1 वोल्ट है भाई, हमने क्या निकाला, वी बी ए इक्वल टू 1 वोल्ट, क्योंकि बी हाई पे है और ए लो पे है 1 वोल्ट। हाँ अगर आप हमसे बोलते कि ए का बी पे निकालो, ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता, -1 वोल्ट। तो सॉल्यूशन में इन लोगों ने ए का बी के रिस्पेक्ट में निकाला है, कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए ये लोग, मगर अपन चाहे इसके रिस्पेक्ट में निकालें चाहे उसके रिस्पेक्ट में निकालें, नंबर अपन को पूरे मिलने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ, अब देखो नेक्स्ट भाई, 15 मिनट हो गए, अब नहीं दोबारा नहीं रिपीट कराऊंगा, 15 मिनट हो गए बहुत भयंकर वाले, आज ये लोग बिल्कुल 6 बजे आ गए थे एकदम। तो अब देखो 6 बिल्कुल 6 मतलब करेक्ट 7 पे, हाँ 6:55 पे मैसेज करने के पहले ही जुड़ गए थे, 7 पे सब आ गए। अब देखो ये 1 वोल्ट हो गया, अब इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, आगे देखो, आगे इजी है। अब व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच का हो तो गया, आगे क्या कह रहा है, आर की वैल्यू निकालो, रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, आराम से देखो बड़े आराम से निकलेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू, किरचॉफ लॉ लगाना और कुछ नहीं करना है। कहाँ है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस,
ये नया सर्किट है, घूम जाओ, ये देखो घुमा दिया सर्किट से, समझ गए। बस देखो बैटरी दी गई है यहाँ कितनी है, 2 है, यहाँ कितना है 10 है, करंट दे रखी है, बस अपन को किरचॉफ लॉ लगाना है। तो ये मैंने डायग्राम क्रॉप मारा, ये लिया और ये लेके चलते हैं, अब इसको किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज एंड सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0। चलो चलना शुरू करें, चलो 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 चलो, पहले डंडा पड़ गया, प्लस से लेके माइनस, मतलब -6 ड्रॉप हो गया। चलो 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 नीचे आओ, प्लस से लेके माइनस, मतलब -5 इंटू 0.2 आई इंटू आर, 2 इंटू 0.2 इंटू 5 कितना हो गया 1। चलो 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 चलो, अब देखो करंट कहाँ से कहाँ जा रही है यार, ये करंट जो है डेफिनेटली इधर से इधर जाएगी, मैंने डायग्राम गलत दे दिया, ये इधर से इधर ही जाएगी क्योंकि ये ऐसे आ रही है तो वैसे ही तो घूमेगी। तो रेजिस्टेंस है आर, करंट है 0.2, तो प्लस ये होगा और ये होगा माइनस, तो माइनस साइन 0.2 आर। चलो 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 चलो, प्लस से लेके माइनस, -2। चलो चलो 10 ओम है और करंट कितनी जा रही, वही 0.2, 10 इंटू 0.2, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 है ना, तो आप चाहो तो रेजिस्टेंस इंटू वोल्टेज लिख दिया डायरेक्टली, कितना हो गया 2 हो गया। साइन कौन सा आएगा, प्लस से लेके माइनस, माइनस, -2 इक्वल टू 0। चलो भाई निकाल लो रेजिस्टेंस कितना आएगा, -6 और -1, माइनस का 7 और माइनस का 4, बहुत बढ़िया बात है, माइनस का 4 और -0.2 आर बराबर 0। कुछ जोरदार वाली गड़बड़ी हो रही है, 7 और 4 माइनस का 11 और -0.2 आर, -0.2 आर, ऐसे तो रेजिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नहीं नहीं बच्चों रेजिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं आएगा। अब फिर से मैं यहाँ करके देखता हूँ एक बार, तो अभी अभी क्या है, ये सब कुछ मिल करके ये कितने ओम हो गया था यार, ये कितने ओम हो गया था, 5 ओम यार, बोलो ना 5 ओम हो गया था, हाँ या ना, ये सब कुछ 5 ओम हो गया था। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें फिर से लॉ लगाने की कोशिश करता हूँ कि जिससे मेरे से कोई मिस्टेक ना हो, तो मैं लॉ लगाने की कोशिश करता हूँ, चलो एक बार मैं फिर से इसमें लॉ लगाने की कोशिश करता हूँ, KVL। तो मुझे ये इस लूप में चलना है, तो पहले करंट की पोलैरिटी दे दूँ, करंट यहाँ से यहाँ जा रही थी क्योंकि मैंने डायरेक्शन यहाँ ली है, ये देखो करंट इधर से है तो पक्का इधर से घूम के इधर आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब चलता हूँ यहाँ से शुरू करता हूँ माइनस से लेके प्लस, मतलब +6। आई थिंक पहली गलती यहीं हो गई थी क्या, हाँ बैटरी की पोलैरिटी उल्टी बना ली थी। देख लो जी, पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो माइनस के बाद वाला साइन आता है प्लस। चलो 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 चलो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस, बोलो करंट कितनी 0.2, 0.2, रेजिस्टेंस कितना 5। चलो 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 चलो, ये इधर से आ गया, करंट कितनी प्लस है, ये होगा माइनस, तो माइनस आर इंटू 0.2, आर इंटू 0.2। चलो 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 चलो, प्लस से माइनस तो कितना होगा -2। चलो चलो चलो, प्लस माइनस तो 10, -10 इंटू 0.2 इक्वल टू, ख़त्म हो गई पंचायत, 0 आ गए। चलो भाई सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 0.2 5 बार 1 और -0.2 आर, अच्छी बात है, -2, हाँ ये वाला -2, -2 और -2, ओके इक्वल टू 0। देखो 6, 2 और 2 4 और 1 5, 6 में से 5 का कितना बचा 1, -0.2 आर इक्वल टू 0, तो -0.2 आर इक्वल टू, उधर जाएगा 0 -1 मतलब -1, माइनस से माइनस कैंसिल, आर इक्वल टू 1 अपॉन 0.2, डेसिमल ब्रेक करा ऊपर आया 10, 10/2 आंसर 5 ओम आ रहा है। चेक करता हूँ सही है कि गलत है, बिल्कुल सही आंसर हो गया 5 ओम, समझ गया जी। तो एक मिनट यार, ये दूसरे का तो नहीं देख लिया आंसर, ये तो 5 ओम इसका है। R2 की वैल्यू पूछी थी इन लोगों ने ना,
एक ही तो रेजिस्टेंस पूछा है, तो सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इसका वाकई में 5 ओम ही आ रहा है बच्चों, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। हालांकि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लिखा तो नहीं है, और एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने आंसर शीट में आंसर दिया हो, ज़रा देखना आंसर शीट यार खोल करके, आंसर शीट में मैंने ऐसा तो नहीं आंसर दे दिया बट इसमें क्रॉप करके ना लिखा हो। देखो आंसर शीट में मैंने कितना आंसर दिया, देखो 5 ओम दिया क्या अलग से, ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो 5 ओम आया था। इक्विवेलेंट दिया, अलग से नहीं दिया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो वोल्टेज आ गया अपना, वोल्टेज आ गया, और वैसे नहीं भी इसमें निकाला है, गलती से भूल गया होगा 5 ओम। चलो बच्चों क्लियर, यस बोलो। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा, इतने ये ऐसे क्वेश्चन इनको मत छोड़ो बच्चों, प्लीज मत छोड़ो, उन्हें बाद में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा वाली, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो दिक्कत होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द स्टेडी करेंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। कहाँ से निकालनी है भाई करेंट, इससे निकालनी, ये 2 ओम का ये जो बैठा हुआ है, स्टेडी करेंट, स्टेडी मतलब जब माहौल शांत हो जाए, तूफान आया, पेड़ वेड़ टूटे, उसके बाद माहौल शांत हो गया, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, शांत अवस्था। तो बच्चों एक चीज़ जान लो, कैपेसिटर की आदत होती है कि जब तुम बाजार से खरीद के लेके आओगे लगाओगे तो 1-2 मिली सेकेंड, मतलब सेकेंड से भी कम में पहले भड़ा भड़ चार्ज खाता है, बैटरी लगी नीचे ना, बोलेगा भूख लगी मेरे को चार्ज दे दो, खट 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 चार्ज खा लेगा, जितना चार्ज खाना हो खा लेगा, बट जैसे चार्ज खा लेगा फिर चार्ज लेना बंद कर देगा। अब भैया जब चार्ज लेना बंद कर दिया इसने, जब ये चार्ज नहीं ले रहा है, मतलब चार्ज अगर चलता तो चार्ज के चलने को ही क्या बोलते हैं अपन, करंट, और जब ये चार्ज नहीं ले रहा है मतलब करंट नहीं ले रहा, मतलब बेटा करंट इक्वल टू कितनी, 0। तो अपनी कॉपी में बादल बना के लिख लो, इन स्टेडी स्टेट, लिख लो इन स्टेडी स्टेट, स्टेट स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट को ही केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं, जब शांति आ जाती है ना, मिल गई शांति, तो जब शांति मिल जाती है तो इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। पढ़े होगे ना केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, ऐसा ऐसा पढ़ाया जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है, ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ रेट डिक्रीज होती है, यहाँ इंक्रीज होती है, तो ये इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो इसको बोलते हैं फिजिक्स में, इसी को समझ लो स्टेडी स्टेट, तो ये स्टेडी स्टेट है। तो लिखो इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर बिकम्स ओपन सर्किटेड, कैपेसिटर बिकम ओपन, कैपेसिटर ओपन हो जाता है, इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर ओपन, कैपेसिटर बिकम्स ओपन, तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। तो हमें क्या चैलेंज दिया गया हमें इस क्वेश्चन में, हम इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 ओम से जाने वाली करंट निकालो। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, मैं अपने आप को करने से रोक नहीं पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने इसको क्रॉप कर लिया और मैं इसको करने जा रहा हूँ भाई इस क्वेश्चन को। चलो ये देखो बड़ा कर दिया क्वेश्चन को, 2 ओम वाले से, ये ऊपर वाले से निकालनी करंट कितनी जा रही है जब मामला शांत हो जाए। चलो आ जाओ भाई स्टेडी स्टेट में क्या हो गया, ये 6 वोल्ट बैटरी लगी हुई है, अच्छी बात है, ये खेल ख़त्म इस ब्रांच का, ये ओपन हो गया, मतलब हम आगे कुछ नहीं जाने देंगे, हट गई ये ब्रांच, तो ये जब ओपन हो गया तो आगे भी ये इसको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये पूरी ब्रांच आप हटा दो, ये 4 ओम जो लगा है ना किसी काम का नहीं है, अब ये बकवास है, कुछ काम का नहीं है, ये ब्रांच आप टोटली हटा दो, तो आप इसको चाहो तो यहाँ से पूरा हटा दो, सीधे पहुँच जाओ ऊपर जो क्लोज सर्किट है। देखो बच्चों यहाँ क्या लगा है, 1-2 लगा है और साथ में पैरेलल में 3 लगा है, और इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम बी दे दिया, चलो भाई बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले तो टोटल करंट निकाल लो, क्योंकि टोटल करंट ही आपको, और भैया यहाँ पे लगी है कितना यार, 2.8 है कि 28 है, 28 नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये 2.8 होगा, रुक जाओ पता कर लेता हूँ, हाँ 2.8 है, चलो सही है, तो ये 2.8 ले लो। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर करंट बांटनी है, मगर पहले पता करो भैया टोटल करंट कितनी जाएगी, फिर तो बटेगी, तो टोटल करंट के लिए फार्मूला होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ऊपर ये जो 2 पैरेलल में जुड़े हुए इनका रेजिस्टेंस निकालो, कितना होगा भाई साहब, 1.2। सर कैसे आ गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 10वीं क्लास का फार्मूला, 2 3 6 अपॉन 2 3 5, 6 अपॉन 5 मतलब 1.2, मतलब ऊपर ये डब्बा हटा करके आप कितने का लगा सकते हो रेजिस्टेंस, 1.2 का,
नीचे आओ, बैटरी लगी है, साथ में लगा रेजिस्टेंस 2.8 का, ये 6। करंट निकालो, I इक्वल टू वी बाई आर, वोल्टेज कितना 6, रेजिस्टेंस कितना ये वाला 2.8 और प्लस 1.2 कितना होता है यार 6/4, मतलब 2 से काट दो 3/2 एम्पियर। ओके मजे आ गए, मतलब 3/2 एम्पियर की करंट जा रही है इस सर्किट से, मतलब ये जो सर्किट है ये पूरी कितनी करंट फेंकेगा ऊपर 3/2 एम्पियर, बोलो बच्चों यस कि नो, 3/2 एम्पियर करंट फेंकेगा। अब आपको निकालना है कि 3/2 में इससे कितनी जा रही है और इससे कितनी जा रही है, ये करंट निकालनी है कि 3/2 एम्पियर में इससे कितनी करंट जा रही है और इससे करंट कितनी जा रही है। तो एक तो 10th क्लास में अगर एस चांद लगाई होगी अच्छे से तो वहाँ पर होता था करंट डिवीज़न रूल, अगर खूब अच्छे से पढ़ के आए हो 10th क्लास में, करंट डिवीज़न रूल से वो निकाल लेते हैं अपन कितनी करंट जा रही है। नहीं तो दूसरा तरीका यही है कि आप जो है वोल्टेज टोटल निकाल लो और फिर उसमें वी वाई आर कर देना। देखो मैं दिखा रहा हूँ, वोल्ट बद नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ देखो, ये ऊपर 3/2 पहुँची, 3/2 पहुँची। अब ये जो पूरा डिब्बा लगा हुआ है ऊपर, जिसमें एक रेजिस्टेंस ऊपर है और एक रेजिस्टेंस नीचे है, इस डिब्बे का जो नेट रेजिस्टेंस आया था, इस डिब्बे का जो नेट रेजिस्टेंस आया था वो कितना आया था भाई 1.2 आया था। इस बॉक्स का जो नेट रेजिस्टेंस आया था वो 1.2 आया था। ओके, इस बॉक्स का जो नेट रेजिस्टेंस है वो 1.2 है। सो वी इक्वल्स टू आई आर, सो वी इक्वल्स टू आई आर, समझो क्या कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे समझना। ये जो बॉक्स है ऊपर लगा, इसका नेट रेजिस्टेंस 1.2 है। मैं इस पूरे बॉक्स का वोल्टेज निकाल रहा हूँ कि तुम कितना वोल्टेज आपस में खा रहे हो। तो वी इक्वल्स टू आई आर, करेंट कितनी जा रही है 3/2, और हमारा जो नेट रेजिस्टेंस आया है ऊपर वो कितना आया है भाई 6/5 आया था ना, जिसको 1/2 लिखा था मैंने, तो ये आया था 6/5। तो यार ये कितना हो गया देखो ध्यान से, 18/10 मतलब 1.8। मतलब बच्चों इसके अक्रॉस जो टर्मिनल में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो कितना ड्रॉप हुआ है 1.8। तो पैरेलल में आपको पता है ना कि इसको भी सेम वोल्टेज मिलेगा और इसको भी सेम वोल्टेज मिलेगा। सर जब वो दोनों पैरेलल थे 2.8 और 4 नहीं, वो तो हट गया, वो तो हट गया, 4 तो पहले ही हट गया क्योंकि कैपेसिटर लगा था ना, कैपेसिटर ओपन ओपन हो जाएगा तो पूरी ब्रांच पहले ही खत्म कर दी अपन ने। अब देखिए यहाँ पे 1.8 वोल्ट गिरा है इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, 2.8 को और उसको पूरे को पैरेलल में नहीं ले सकते। पर पैरेलल में क्यों लेंगे, सीरीज में लेंगे ना, एक ही तो रास्ता है और एक ही रास्ता, उसमें करंट निकाल लिया अपन ने, उस करंट में लेके और फिर दोनों को हाँ उन दोनों को पैरेलल में और 2.8 को सीरीज में लेकर करंट निकाल ली। अब करंट निकालने के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो करंट इस दोनों के ऊपर कितना वोल्टेज दे रही है, तो वो करंट इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर वी इक्वल टू आई आर से, आई है 3/2 और इस डिब्बे का रेजिस्टेंस कितना निकला 6/5, तो कितना आ गया 1.8 वोल्ट आया। अब देखो आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, किस पर निकालना है 2 पे, तो वोल्टेज कितना गिर रहा है 1.8 और रेजिस्टेंस कितना है 2, डिवाइड करो कितना आएगा 0.9 आ गया। तो आंसर होगा 0.9 एम्पियर की करंट ऊपर वाले से जाएगी, 0.9 एम्पियर। चेक कर लें एक बार आंसर सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है आंसर, 0.9 देंगे 4 में से 4, समझ गए 0.9। बच्चों बताओ क्लियर हुआ कि उड़ गया सिर के ऊपर से चला गया, कैपेसिटर ओपन हो गया बस और कुछ नहीं हुआ। कैपेसिटर डीसी में कैपेसिटर हट जाता है, हटा दिया करो बस, डीसी बैटरी लगी तो कैपेसिटर हट जाएगा इतना जान लो। हाँ बच्चों बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हाँ दिया रहेगा, हाँ जी का समझ में आ गया। हेलो हंसिका, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, चलो ठीक है। देखो यार एक और रूल है जिसको बोलते हैं करंट डिवीज़न रूल, अगर आपको ये नहीं करना है तो एक करंट डिवीज़न रूल जो 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, पैरेलल सर्किट में करंट डिवीज़न रूल से करंट निकाली जा सकती है। वो क्या रूल होता है देखो, करंट बस देख लो 3/2, देखो इसी में बता देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से करंट कितनी जा रही है 3/2। अब दो रास्ते में बढ़ गई करंट, मान लो ऊपर वाले में I1 और नीचे वाले में I2, आपको किसकी निकालनी है ऊपर वाले की, तो रूल होता है I1 इज इक्वल टू टोटल करंट जितनी जा रही है, कितनी जा रही है 3/2,
मल्टीप्लाइड बाई, जिसमें नहीं निकालना है वो रेजिस्टेंस क्या, थ्री अपॉन दोनों का सम, तीन और दो कितना पाँच, बस ये रूल होता है। ऊपर आता है जिसमें नहीं निकालना और नीचे आता है दोनों का सम। जैसे तीन में निकालेंगे दो, दो हो जाएगा। हाँ तो ऊपर दो हो जाएगा, दो नीचे पाँच हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो थ्री थ्री जा नाइन और नीचे हुआ टेन, आंसर कितना 0.9 एम्पियर। तो ये रूल टेंथ क्लास में बताया जाता है, इसको बोलते हैं करेंट डिवीजन रूल, समझ गए ना। तो कैसे निकालते हैं, टोटल करेंट 3/2 मल्टीप्लाई, जिसमें नहीं निकालना है, निकालना टू में है तो नहीं किस में निकालना, थ्री में, तो ऊपर थ्री और नीचे दोनों का सम, तीन और दो पाँच, ऐसे सॉल्व कर लो। तो ये कहलाता बच्चों करेंट डिवीजन रूल। चलिए भाई ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, 13 भी हो गया, 14 भी हो गया। अब आइए शायद लास्ट क्वेश्चन है ये 15 वाला क्वेश्चन। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द डायमीटर ए बी। ओहो अति सुंदर अति प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, केवल ओम्स लॉ लगा है और कुछ नहीं लगा है। कह रहा है एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, ये लो भाई वायर है 8 ओम है। अब कह रहा है इसको बेंड कर दिया गया किसकी फॉर्म में, सर्किल की फॉर्म में। अब ये जो वायर था पूरा सर्किल बना दिया गया, मतलब ध्यान से देखो, आधा छल्ला ऊपर, मतलब इस वायर को दो हिस्सों में तोड़ा, आधा छल्ला ऊपर घुमाया होगा और आधा छल्ला नीचे। अब आप सब लोग जानते हो कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल, तो अगर एल को आधा किया तो रेजिस्टेंस भी तो आधा हो गया होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस 8 था, तो ऊपर भी 4 और नीचे भी कुल मिला के 4 और 4 का पैरेलल निकाल लो, 4 और 4 का पैरेलल 4, 1/r = 1/4 + 1/4 2 होगा सॉरी, तो 2/4 काटो 1/2, तो 1/r = 1/2, तो r पलटी मार के कितने ओम, 2 ओम। चलो चेक करें आंसर, ये लो जी आंसर आ गया 2 ओम। तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4 और 4 और 4 का पैरेलल कितना हो गया 2 ओम। बोलो समझ में आया यशराज, जय हंसिका समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हंसिका क्लास में हो? हेलो। चलो ठीक है भाई, तो ये हुआ भाई अपना ये पूरा का पूरा पेपर समाप्त, ठीक है ना। बड़े अच्छे से इस पेपर को अपन ने कर दिया, आप लोग एक बार इस पेपर को फिर से कर दीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं किया भाई कर देना जरूर, दिक्कत बनेगी नहीं तो। ठीक है अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं।